हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने भी थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ कि जैसे न्यूज़ आई 11% भागा है। एज वेल एज न्यूज़ तो कुछ टाइम पहले ही एक स्पेकुलेशन भी आ गया था, वो न्यूज़ आ गई थी और वो आज रियलिटी होती हुई देखी और वो शेयर भागता हुआ नज़र आया। तो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके कुछ फंडामेंटल्स चेक करेंगे। ओके, उससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई थी मैंने, ओके कुछ उसमें भी बताया था, बट आज के जो फ्रेश उसके फंडामेंटल्स है उसे देखेंगे। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन करें डीमैट और ट्रेडिंग। एज वेल एज एक और यहाँ पर लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो फ्री में आपका आप या इस वेबसाइट में जाके ओके अपनी अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हो और एक महत्वपूर्ण काम में मदद कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस शेयर से लिटरी बातें कर रहे हैं, पहले उसके देखिए पैरामीटर देखेंगे, उसके रिटर्न्स देखते हैं क्या रिटर्न है। अगर बात करें वन डे का, तो आज के दिन में 9% की, और ये लगभग 15% ऊपर जाके फिर नीचे आया है। वन वीक की बात करें तो 8%, वन मंथ की बात करें 16%, थ्री मंथ की बात करें तो 1%, ओके सिक्स मंथ की बात करें 0.99%, बट अगर हम एक साल की बात करते हैं ना, तो 538% के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और पिछले 6 महीने से ना ये कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि इतना भागने के बाद ना 6 महीने भागने के बाद फिर कंसोलिडेशन का ही फेज आता है। 2 ईयर्स में देख लीजिए 363%, अगर मैक्सिमम जितने रहते हैं ना जो, तो इसलिए कहते हैं अच्छी कंपनी में लंबे टाइम तक बने रहो, अच्छे रिटर्न पाओ और एन्जॉय करो, तो इसे ही कहते हैं। तो 10 साल अगर किसी ने रखा है तो 47-25% के रिटर्न, क्या रिटर्न होते हैं। किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उससे जाके पूछना कि क्या रिटर्न उसे मिले हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। तो अगर बात करें इस शेयर की, तो आज के लगभग अगर बात करें तो 745 पे शेयर चल रहा है, 61 रुपये इसने अप मारा है और ऊपर गया था और भी। और बात करें देखिए 52 वीक इसका जो हाई था वो 1026 था 8 अक्टूबर को, 52 वीक लो की बात करें तो 105 रुपये का शेयर, ओके 23 मार्च को हमें दिखता हुआ यहाँ नज़र आया था। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए आज के दिन में 21% की डिलीवरीज, 13,74,551% ये शेयर उठाते हुए दिखे हैं। एज वेल एज कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी तो देखिए परफॉर्मेंस तो कर ही रही है, जिसके बारे में बात करेंगे। और प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 60% की होल्डिंग है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक में HNIs, FIIs, DIIs इन सब की मिला के 40% की हिस्सेदारी हमें नज़र आती है, ओके। और इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो नवंबर 2020 में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। सितंबर 30 को यहाँ पर अगर बात करें बोनस 3:1 का, ओके 3:1 का बोनस दिया था। ये शेयर 800 रुपये से चलता हुआ लगभग 3,000-4,000 तक गया था, ओके फिर उसका बोनस अनाउंस हुआ, फिर ये डिवाइड हुआ, फिर भागा और अभी लगभग 700 कुछ रुपये पे ये चल रहा है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब 3:1 का बोनस मिला है, मतलब एक शेयर किसी के पास होंगे तो 3 शेयर में कन्वर्ट हो गए। तो इसी से रिलेटेड ये तो वीडियो था, ओके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, ओके उसी से रिलेटेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर देखें 19 तारीख तो बायबैक की न्यूज़ आई है, टू कंसीडर बायबैक फॉर इक्विटी शेयर, ओके यहाँ पर इक्विटी शेयर के लिए के बायबैक करने की कोशिश की जा रही है, ओके बायबैक क्या होता है, तो कोई कंपनी जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे शेयर लेती है और उन्हें एक प्रीमियम पे लेती है। अगर 1 रुपये का शेयर चल रहा है तो 1.5 रुपये के प्रीमियम पे ले लिया, 1.20 रुपये के प्रीमियम पे ले लिया, ताकि शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट हो जाए और वो शेयर्स कंपनी अपने हाथ में ले लें, तो इसलिए ये इसे ही बायबैक कहते हैं। और अगर बात करें रिकॉर्ड डेट की, तो इसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है 1 अप्रैल 2021। तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स की ये न्यूज़ आई, और जैसे ही न्यूज़ आई तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके ये शेयर लगभग इधर तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आया है, ओके तो यहाँ पर अभी 745 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न है, इसने इतना लंबा कंसोलिडेशन को फेस किया है, एज वेल एज बात की जाए फिर ये भागा है, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन, बट
जो कोविड की सिचुएशन थी इसके लिए फेवरेबल थी, तो इसने जो ये भागना शुरू किया है तो इस तरीके के रिटर्न दिए। 4,000 रुपये तक ये शेयर गया था, ओके। उसके बाद यहाँ पर बोनस आता हुआ नज़र आया, बोनस के बाद ये शेयर टूटा, ओके, और 800 समथिंग पे आया और 984 इसका 9 अक्टूबर को गया। फिर उसके बाद ये नीचे आया 600 कुछ तक, और उसके बाद आज बाईबैक की न्यूज़ आई है तो इसने यहाँ पर इसने जंप मारना शुरू किया है। तो बाईबैक कितने का है, तो बाईबैक आया 1000 रुपीज़ का, ओके। 745 पे शेयर चल रहा है, 1000 रुपीज़ का बाईबैक है। और अगर बात करें तो शेयर कल के दिन कितने रुपए पे चल रहा था, कल 683 पे, तो लगभग 41% के प्रीमियम पे ये शेयर कंपनी वापस लेने को जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ देख ही सकते हैं आरती ड्रग्स, ओके। यहाँ पर पहले तो 3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लीजिए 3 डेज एगो, आरती ड्रग्स गेन 6% एज बोर्ड टू कंसीडर बाईबैक ऑन मार्च 19। तो 19 को यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी, ये तो अभी तब तक स्पेकुलेशन थी, 6% भागा था। फिर कंडीशन मार्केट की आपको पता ही है कल की डेट में क्या हुई थी, मार्केट गिरा था, और फिर आज की डेट में जैसे ही इन्होंने कंफर्म कर दिया तो 15% तक शेयर भागा था, और 1000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती ड्रग्स का ये शेयर भागता हुआ आपको नज़र आया है। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ, अभी ये बात कर लेते हैं आरती ड्रग्स की। तो आरती ड्रग्स बहुत अच्छी कंपनी है, APIs में काम करती है, मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडियंट्स होता है, मतलब सिर की दर्द की जो आप गोली लेते हैं तो उसमें सिर दर्द को कम करने के लिए जो इंग्रीडियंट्स होता है ना उसे APIs कहते हैं, ओके। API उसे कहते हैं जो उसका मेन स्टफ होता है। अगर बात करें उस चीज़ में डील करती है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अगर इसके कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल्स देख ले सॉरी तो यहाँ पर देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो आपको बताना चाहता हूँ PLI स्कीम आ रही है, इसे बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे इस कंपनी को, एज वेल एज मार्केट कैप देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 6368 करोड़ रुपए का है मार्केट कैपिटल है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वॉलेटिलिटी से भरा होगा, ओके। रिटर्न्स दिए है, बेहतरीन रिटर्न्स दिए है, नो डाउट, ओके। बट जिस दिन कंसोलिडेट जाता है ना तो 6 महीने का कंसोलिडेशन फेज भी आपको दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए ये कंसोलिडेशन फेज इसका है, 6 महीने का कंसोलिडेशन है, ऊपर गया नीचे गया, तो इस चीज़ को भी देखने के लिए तैयार रहना, ओके। अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भागा है ये शेयर, ROC ही 20 का ROC है जो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ओके। अगर डेट फ्री कंपनी यहाँ पर रिड्यूस अपना डेट करती जा रही है, एज वेल एज बात करें सेल्स की, तो सेल्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट सेप्टेम्बर 2020 के बाद थोड़ी सी सेल्स कम इस क्वार्टर में हमें होती हुई नज़र आई थी, दिसंबर में Q3 में 530, जो प्रॉफिट भी देखिए उसी हिसाब से हमें कम होता हुआ नज़र आया है, बट प्रॉफिट यहाँ पर इस रेंज में ही चल रहा था। फिर उसके बाद कोविड की सिचुएशन नहीं अप हो गया, फिर उसके बाद अभी 68 करोड़ रुपीज़। अगर बात करें ओवरऑल तो सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं इस 12 महीने में 2103 करोड़ रुपये का सेल है। अगर बात करें यहाँ नेट प्रॉफिट तो 288 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है, जो कि काफ़ी बेहतरीन अच्छी बात है, जो कि सब ईयर्स में भी सबसे ज़्यादा है। रिजर्व्स देख सकते हैं तो 790 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और कंपनी के पास पहले बहुत अच्छा मतलब अच्छा खासा अगर बात करें मार्च 2018 में 546 करोड़ रुपये का यहाँ पर बोरिंग ले रखी थी, कर्ज ले रखा था, तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, और 339 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रिजर्व्स ये बोरिंग यहाँ में नज़र आती है। इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ रुपये का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 11 करोड़ रुपए का इनके पास कैश इक्विवेलेंट है, ओके। अगर ऑपरेटिंग इनकी है यहाँ पर देखें तो कैश फ्लो की, तो यहाँ पर 251 करोड़ रुपए का कैश फ्लो भी है। ROC ही 21 है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं 60% है, और एक बार ये बाईबैक से जब शेयर आ जाएंगे तो इनकी बढ़ती ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं FIIs हर बार इसका हर क्वार्टर में यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, 3% की हिस्सेदारी है। DIS थोड़े सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं, 1.68%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 35% की होल्डिंग है, इनमें से भी ये 2.5% और ये 1% 2% के लगभग, तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये इन दो लोगों ने ले रखे हैं, और बाकी और भी लोगों ने ले रखे हैं, तो इसमें वो उन्हीं लोगों को दिखाता है जो 1% से ज़्यादा के होते हैं, आपको पता ही है, ओके। जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा की कंपनी में होती है तो वहाँ यहाँ पर शो हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ओके, सब चीज़ अच्छा नज़र आ रहा है, सब चीज़ अच्छा भी है, बट मिड कैप कंपनी है, ओके। भागती है, तेज भागती है, गिरती है, बढ़ती है, और तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाईबैक से में शेयर जाएंगे,
ओके, अगर आप सोच रहे हो आपका 100 शेयर है तो 100 के 100 ले ले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, आपके जो शेयर है वो उसी हिसाब से ले जाएंगे, क्योंकि कितना 60 करोड़ रुपीज़ का आई थिंक ये बाई बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, 60 करोड़, अप टू 60 करोड़ रुपीज़। तो हर एक से अगर उसी हिसाब से, उसी मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से शेयर लिए जाएंगे, ओके, जिसके लिए वो अप्लाई करेगा। तो अच्छा है, न्यूज़ अच्छी आई है। और इससे पहले एक और शेयर में न्यूज़ आई थी, उससे रिलेटेड भी बताना चाहता हूँ। SIS में भी न्यूज़ आई थी, तो उसकी डेट अभी तक आई नहीं थी, तो वो शेयर गिरता हुआ नज़र आया था, बट आर्टिड्रग्स शायद मंडे को भागता हुआ नज़र आया, गिरता हुआ नज़र आया, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर RSI की भी अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 67 की RSI चल रही है। यहाँ पर देखिए बाइंग सिग्नल भी एक बार आया था 629 पे, उसके बाद यहाँ पर शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है, तो शायद और ऊपर भागता हुआ ये शेयर आपको जाता हुआ दिख सकता है। और 850 के लगभग का टारगेट लोग यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये नॉलेजेबल वीडियो थी, ओके, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इससे रिलेटेड बात कर लीजिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ओके। और यही सारी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज़ हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं और लाता रहूँ और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।